मौजूद हैं बरेली के आईएमए में। यहाँ पर प्रेसिडेंट कक्ष है, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब हमसे मुखातिब है। पास में मौजूद है सेक्रेटरी डॉक्टर विमल भारद्वाज जी, शहर के बड़े बच्चों के डॉक्टर डॉक्टर रवि खन्ना साहब और सर्जन भारती साहब। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब से, क्योंकि आपके निर्देशन में एक देशव्यापी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हड्डी के रोगों पर होने जा रही है। क्या कहते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जानेंगे उनसे इस संगोष्ठी के बारे में। आइए बात करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब। पहले आप ये पोस्टर थोड़ा देख लें, 4 अगस्त को शाम 5 बजे से 7 बजे तक एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बरेली आईएमए द्वारा और ऑर्थोपेडिक क्लब बरेली द्वारा आईएमए हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को जोड़ों के दर्द के बारे में बताया जाएगा, उसके जोड़ों के दर्द के कारण उसका निदान डायग्नोसिस और उसकी क्या चिकित्सा होनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खान पान में क्या परहेज करना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए और नियमित दिनचर्या, और साथ में हर काम नियम से हो तो आप अपने जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। जोड़ों के दर्द में कभी भी कोई दर्द अगर 1 या 2 दिन से ज़्यादा हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और जैसा वो बताए उसके हिसाब से अपनी जाँचें करा के समुचित रूप से इलाज कराएं। ज़रा सी लापरवाही आपके जोड़ों के लिए और आपके लिए घातक हो सकती है। इसमें कौन कौन डॉक्टर साहब आ रहे हैं बाहर से? देखिए बाहर से जैसा मैंने आपको अभी एक पोस्टर दिखाया, डॉक्टर राजू वैश्य जी अपोलो अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और आईएमए के हमारे सीनियर से लेकर जूनियर तक सारे डॉक्टर यहाँ मौजूद होंगे। इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ भी होंगे और रोगों के भी जानकार होंगे, क्योंकि और रोगों के कारण भी हड्डी में और जोड़ों में दर्द हो सकता है, इस बात की जानकारी भी जनता को दी जाएगी। भारद्वाज सर, आईएमए में ऐसी और एकेडमिक एक्टिविटी कौन कौन सी चल रही हैं आजकल इन दिनों? डॉक्टर भारद्वाज, अभी पिछले मंथ हमारे यहाँ एक पूरे दिन की दिल की इस संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें एस्कॉर्ट के 4 डॉक्टर्स यहाँ आए थे। उन्होंने पूरे शहर के सभी लोगों को नहरी एडवांस चीज़ों के बारे में बताया गया था, डॉक्टर जेडस महवाल साहब, डॉक्टर अंशव सिन्हा सिंह कार्डियोलॉजी की। इस तरह की सारी एक्टिविटी हर महीने कुछ न कुछ होती रहती है हमारे यहाँ आईएमए में। प्रतिदिन यहाँ पर एक चैरिटेबल क्लिनिक चलती है, इसमें डॉक्टर वसीन साहब देखते हैं, करीब प्रतिदिन 125 से 150 ओपीडी यहाँ प्रतिदिन चलती है। इसी तरीके से हम लोग थैलेसीमिया कैंप का, थैलेसीमिया के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं कुछ दिनों, अभी 2-3 महीने पहले हमने यहाँ पर थैलेसीमिया के बारे में भी लोगों को जागरूक किया था कि अपने एक टेस्ट कराएं DNA शादी से पहले। और आईएमए प्रति माह करीब 183 बच्चे रजिस्टर्ड है थैलेसीमिया के, जो प्रति माह सबको ब्लड देती है। प्रति माह कुछ बच्चों को 2 बार ब्लड दिया जाता है और कुछ लोगों को निःशुल्क 1 बार ब्लड दिया जाता है। इस तरह की एक्टिविटी हमारे आईएमए लगातार कुछ ना कुछ करती रहती है कम्युनिटी सर्विस के साथ। थैंक यू। देखिए अभी अभी हमने बात की थी प्रेसिडेंट इलेक्ट आईएमए डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब से, आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर विमल भारद्वाज साहब से, और आपने न केवल ऑर्थोपेडिक की कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तार से बताया, बल्कि डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि आईएमए किस प्रकार से कम्युनिटी सेवा कर रहा है। आईएमए की चैरिटेबल क्लिनिक के जरिए हम गरीब मरीजों की बहुत कम पैसे में मामूली पर्ची की फीस पर दवाएं दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मुफ्त में खून दे रहे हैं, इसके अलावा ब्लड बैंक के जरिए बहुत सारी सेवाएँ हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आईएमए के सभी पदाधिकारियों का। गाँव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।